दोस्तों गुलाब के पौधे की देखिए इसमें कितनी कलियां आ रही हैं। देखिए हर ब्रांच से कली और फूल का फुटाव अच्छा हो रहा है। देखिए हर ब्रांच में इसमें कली और फूल निकल रहे हैं। इसका एक मेन कारण रहता है कि गुलाब के पौधों में जो इस समय गर्मियां चल रही हैं, इस समय भी इसमें इतने अच्छे फूल कैसे मिल रहे हैं आप सोच रहे होंगे। तो इसका एक तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा, जो इसमें जो खाद दी गई है जिसकी वजह से इसमें देखिए पत्तियां भी इतनी हरी हैं, बिल्कुल पत्तियों में भी कोई दिक्कत नहीं है। पत्तियां सही होंगी तो आपके पौधे की जो मेन जो ग्रोथ का कारण रहता है वो है इसकी पत्तियों का पीला ना होना। कई बार ऐसा होता है गुलाब की पत्तियां इस मौसम में जो है पीली पड़ जाती हैं। उसका एक मेन रीज़न ये रहता है कि गुलाब के पौधे में अगर आप पानी की मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो इसमें जो है पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। और अगर आप इसमें जो जो मैं खाद में आपको बता रहा हूँ अगर वो उसका इस्तेमाल करेंगे तो इसकी पत्तियां भी सही रहेंगी और आपका पौधों में आप अच्छे गुलाब ले सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो मेरे चैनल में नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल नेचर इन थर्ड फ्लोर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं जानकारी दे रहा हूँ गुलाब के पौधे के बारे में, अगर सबसे पहले तो आप गुलाब के पौधे को या कोई भी पौधा आप लेते हो तो उसको मिट्टी के गमले में लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि मिट्टी का गमले में जो है पानी की मात्रा जो हम देते हैं वो ज़्यादा अवशोषित नहीं होती और पौधा उसमें अच्छी ग्रोथ कर लेता है। प्लास्टिक के गमलों में जो इस समय गर्मियाँ पड़ती हैं तो हीट की वजह से प्लास्टिक के गमले में जो आपको पौधा है ख़राब हो सकता है। कोई भी पौधे में जो है क्लोरोफिल की मात्रा अच्छी होगी तो जो है पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और इसमें जो है पत्तियाँ भी हरी रहेंगी। पत्तियाँ पीली पड़ने का कारण एक मेन ये रहता है कि इसमें क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है। तो इसकी पूर्ति के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इसमें खाद दी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कौन सी खाद दे रही थी। गुलाब के पौधे में जो खाद देनी है यह है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट को अगर आप बाजार से ला रहे हैं तो इसको इप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इप्सम सॉल्ट में जो है ये पौधों को देंगे तो इससे क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है पौधों में और पौधों का जो है विकास अच्छा होता है और पौधों में जो फूल और कलियां वगैरह लगती हैं अच्छी मात्रा में लगती हैं। जैसे देखिए इस पौधे में भी कलियां अच्छी मात्रा में लगी हैं। इसका एक मेन रीज़न है कि इसमें मैंने इप्सम सॉल्ट का यूज़ कर रखा, और इसका यूज करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा इप्सम सॉल्ट को कैसे यूज करा जाता है। ये इप्सम सॉल्ट आपको मार्केट में कहीं भी बीज वाली दुकान में मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध है। तो इप्सम सॉल्ट को जो आप ये देखिए कलर इस टाइप का होता है, ये देखिए ऑरेंज कलर में है। तो ऑरेंज कलर में ये कई जगहों पर अलग कलर में भी मिलता है, कोई अलग कलर है तो कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इप्सम सॉल्ट नाम से लाएंगे तो आप मैग्नीशियम सल्फेट जो उसमें केमिकल होता है वो यूज होगा। ये देखिए मैग्नीशियम जो है पौधों की जो ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है और इसमें फोटोसिंथेसिस जो अच्छी मात्रा में बनता है ये मैग्नीशियम सल्फेट से ही बनता है। ये इप्सम सॉल्ट आप 1 चम्मच लेंगे 1 लीटर पानी में, लगभग लगभग 1 लीटर पानी में लेंगे और इसको पानी में डाल के ये घुलनशील होता है, अच्छे से घुल जाएगा। ये देखिए आप इसको 2 तरीके से दे सकते हैं। पहला तरीका तो यही है कि इसमें जो आप इसको पानी में डाल के ऐसे घोल के अपने पौधे में की जड़ों में ऐसे दे दीजिए, एक तरीका यह है। और दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसको कैसे किस तरीके से दे सकते हैं आप। ये देखिए आप इसको एक जग में ऐसे पानी से घोलिए, 1 चम्मच डाल के आप 1 लीटर पानी लीजिए। आप अगर पौधे आपके ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा यूज कर सकते हैं इसका, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ही यूज करना है। और इसको आप स्प्रे बोतल में इस तरीके से भर दीजिए। इसको अगर आप 10-15 दिन में अगर आप इसको स्प्रे भी करते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मैग्नीशियम सल्फेट जो है पौधों के अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और अगर खासकर पौधा अगर गमलों में लगा है तो इसको तो ये मैग्नीशियम सल्फेट इप्सम सॉल्ट यानी ये देना ही पड़ता है। अगर ज़मीन में लगा है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप देखिए इसको पूरा मिक्स कर दिए, ये वाटर सोल्यूबल होता है, ये घुल जाता है अच्छे से। इसको इस टाइप साइड तरीके से आप स्प्रे भी कर सकते हैं। देखिए इससे जो है पत्तियों में जो है ये क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी और आपके जो
फूल है, फूल भी अच्छे कलर में आएंगे। देखिए इस तरीके से आप हर पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, किसी भी पौधे में। मैं अभी गुलाब का बता रहा हूँ, तो गुलाब के पौधे के लिए ये इप्सम सॉल्ट काफ़ी यूजफुल है। देखिए इस पौधे में मैंने कुछ दिन पहले करा था, ये देखिए कितनी अच्छी कलियाँ और गुलाब खिलने हैं। तो गुलाब के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।